दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं। वो जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो हैं डिस्ट्रेस में हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट। पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। माँ आप सबकी माँ बनने वाला है इंडिया, बनने वाला है सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। ऐसे देखिए, हाँ माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और हाँ इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार हाँ से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ कि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है, गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है, गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है, ऐसा ही है तो ना। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारतीय डायस्पोरा से भी बातचीत की, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में भारतीय भाई वहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं, कुछ लोग परमानेंट भी वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे जयशंकर साहब ने संबोधित करते हुए, दुनिया के लगभग 65 रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ पे, एक जयशंकर साहब ने बड़ी बात की जो कि वॉशिंगटन पोस्ट से लेके इस्लामाबाद टाइम्स और पाकिस्तान में, भारत में, हर जगह चर्चे में। जयशंकर साहब ने कहा कि 125 देशों के साथ भारत की सहमति बनी है कि भारत उन सबको लीड करेगा। छोटे बड़े देश हैं, ये साउथ एशिया के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं। 125 देश अभी तक भारत की लीडरशिप को स्वीकार करते कि भारत उनके लिए कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि दुनिया जहां रूस से तेल गैस ये सब नहीं खरीद पा रही है, वहीं भारत रूस से तेल गैस खरीद के इन तमाम देशों को सस्ते में गैस और तेल प्रोवाइड करवा रहा है। वरना तो ये 125 देश महंगे में तेल खरीदेंगे, भारत रूस से सस्ते में खरीद के इनको भी सस्ते में बेच रहा है। और भी ऐसी कमोडिटीज़ है जो इन सभी देशों को भारत उपलब्ध करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भारत के लीडरशिप को क्यों ना एक्सेप्ट करें। इसमें मुस्लिम देश भी हैं, GCC के मुआलिक भी हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो लेक्चर्स दे रहे हैं, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स कन्वर्सेशंस हैं, अपनी कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं, और जो स्टोरीज बाहर आ रही हैं, और जो देखिए डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स हैं ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज़ दी ओनली इंडियन MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, फिर उन्होंने 3 से 7 तारीख तक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया रहना है, 4 दिन ऑस्ट्रेलिया रहना है। मैं इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं समझता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड देन सिंगापुर जाना मीन्स कि इंडिया की जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर वो जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। वो जिस जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में हैं, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं, एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट। इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं
वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं, ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो हैं वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंच गए हैं, ठीक है जी। और सबसे पहले किससे बात करते हैं, वो डायस्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डायस्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डायस्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज व्हाट वी आर। जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये सारे का सारा जो डायस्पोरा है ना, जरूरी नहीं इंडियन हुकूमत के साथ खड़ा हो, मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इनकी लॉयल्टीज, इनके पास पासपोर्ट जो होते हैं वो डायस्पोरा के, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ के हैं ना। तो बहुत छोटा तबका होता है जो 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 मूव ऑन नहीं करता। मैं एक शख्स को मिला ब्रसल्स में, बेल्जियम में, बड़े अच्छे शख्स हैं वो, सुनील साहब उनका नाम है। एंड उन्होंने मुझे बताया कि ही हैज़ नॉट गॉट इन द बेल्जियन सिटीजनशिप। और आई थिंक ये उन्होंने कहा, जी मैंने बेल्जियम, मैं 35 साल से बेल्जियम को, 40 साल से हूँ, मेरे पास वो कार्ड है यहाँ का, मैं वो रीन्यू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाई ही डिडंट, लेकिन उन्होंने कहा कि बस नहीं, बिकॉज ऑफ यू नो सो मसला इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तफाक ही नहीं है, मुसलमान तो बैठते नहीं है, दो मुल्क बैठते हैं, चार निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना, आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो, भाई एटम बम को हमने चाटना है, जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है। जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान पीछे तो पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है। अच्छा, हर कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, उस फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। इसमें नो डाउट हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त, अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है। उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्या के पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है। हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर, हाँ, उत्तर प्रदेश, फिर भी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं इसमें, अब मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये तो मुद्दा है, इंडिया के साथ टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, इंडिया के साथ आईटी के अंदर इन्वेस्ट करें, तभी तो वो इंडिया को फ्रंट चेयर दे रहे हैं, बादशाह की चेयर पे इंडिया को बिठा रहे हैं, इंडिया के पीछे खड़ी हो रही है। इस ग्लोबली, इस पूरे रीजन में देखे तो इंडिया कितनी बड़ी पावर बन गया है। इंडिया पावर तो बन गया है, ठीक है। अब जो है असल में हर कंट्री को अपने जो है वो बेनिफिट्स नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि देखें इस वक्त जो है मसलन वो कंट्री विलेज बन चुका है पूरी दुनिया। अब हर कंट्री जो है अपने बेनिफिट्स के लिए दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है। इंडिया स्टार्ट से ही चाहता है, सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है, अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मीन्स के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली, साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फिलिस्तीन के मसले पे ना बोले, तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है। और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना,
ये चीजें ये सारी मैटर करती हैं मैडम। आपने बात की तो एस जय शंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं।